अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अभी ताजी खरीदी है अभी। इसको जो है चक्की से आ रहे थे, जो पिंजारे होते हैं ना गांव के विलेज के अंदर, वहाँ पे आटे की चक्की शामिल होती है। ये लोग इन लोगों के वहाँ पे पिंजारे होते हैं, यानी कि अपना कपास के विलेज के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपनी रुई वगैरह जो पेवा होता है निकलवाते हैं बीज के लिए, और उसके बाद ये कपास होती है वो सेल कर देते हैं दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को सेल कर उनसे। फिर ये हमने खरीदी है, ये है तकरीबन हमारी बिस्तरे इनके बनेंगे, मालूम नहीं कितने बनेंगे, ये है 22 किलो, और ये बिस्तरे तो हमें ज़्यादा चाहिए यानी कि, लेकिन इससे बिस्तरे मुकम्मल नहीं बनेंगे, तकरीबन 4 kg, 3.5 kg एक बिस्तर के ऊपर लगता है। बहरहाल हमने बिस्तरे लेने हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, ताकि उसको वरना ये हमारा जो बिस्तरे की मिली है दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ये दब गई प्रेस हो गई तो फिर इसको दोबारा खिलार के यानी कि पतला पोला इसको करने के लिए फिर हमें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि हम चाहते हैं कि फ़ौरन कपड़ा लेके ना इसकी जो ना रज़ाइयाँ वगैरह जो बनती है बनवा के परे करें, ताकि सर्दी शुरू हो चुकी है, अब रात को जरा ठंड लगती है और वो देख रहे हैं वो हमारे गद्दे पड़े हुए हैं वो लेते हैं सामने। ये नीचे वाले ऊपर वाले हमने लगे, ऊपर वाले अल्लाह देगा, इंशाल्लाह। और ये फिर हमने कराना है इंशाल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा ये सबब बना दे, असबाब बना दे, पैदा कर दे, हमारे लिए आसानी हो जाए, ताकि हम फौरन कपड़े लेके नीचे वाले भी ऊपर वाले, क्योंकि हमें बिस्तरों की ज़रूरत है, स्पेशल तौर पे सर्दियाँ शुरू होने लगी हैं और रात को तंग होंगे, ताकि उससे हम अब मुश्किल से पहले ही आसानियाँ पैदा हो जाएँ और हम इसका यानी कि इंतजाम मुकम्मल कर लें अल्लाह की फजल से अल्लाह की मेहरबानी से होगा इंतजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवाद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह को खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे, भलाई दे, कोई गम ना हो। जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उन सब की मकर फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सेहत दे, शफा दे, हर तरह की बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत निजात दिला दे। और आज के व्लॉग का जो आगाज है हमारा वो ये कि दोपहर का खाना हमारे घर में वैसे पहले भी पकता है कभी कभी, लेकिन ये कि दोपहर के लिए रोटियां हम सुबह सुबह बना लेते हैं, उसमें ये होता है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं किसी ने खाना है तो खा लेंगे, जब घर में से किसी पर नहीं खाना है तो खा लेंगे, लेकिन स्पेशली दोपहर को खाना कभी कभी बनता है, हर रोज़ नहीं। लेकिन आज बेगम ने धूप के बीच में, यानी धूप तो थी लेकिन यहाँ बरांडे के नीचे गर्मी है, गर्मी के बीच में यहाँ बैठ के तंदूरी के ऊपर रखने जो खाना बनाया है माशाल्लाह, इनकी अजमत व जरूरत को सलाम, और जो बनाया है हम आपसे वो भी शेयर करते हैं। हमें हर वक्त इस खाल से मुश्किल होती है, थोड़ा सा पानी ये देखें बीच में है, बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं और ये घर की तरफ जा रही हूँ कि मैं इनको लेकर आया हूँ, और एक आज जो है ना मेरा अहमद पहले आ गया था, और यानी कि आज आमना भी स्कूल से नहीं गई, वो सामने घर की तरफ आगे जा रहे हैं, इन घरों से उस तरफ हमारे घर हैं, आगे इन घरों से उस तरफ, ठीक है जी। यहाँ से अब मैंने गुजरना है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बैग चलाने के काबिल हो गया और बैग भी हमने बनवा लिया था। शदीद गर्मी के बीच में बेगम को एमरजेंसी रोटियाँ बनाना पड़ी तंदूरी पे साथ सालन बनाया, सालन भी बहुत VIP ज़बरदस्त बनाया है, ये पानी के छट्टे मार के तंदूरी को ठंडा करने लगी है बेगम, ठंडा करने लगी है। अब इसकी वजह सालन जो बनाया है हम आपको वो भी बताते हैं, कितना VIP खूबसूरत सालन बनाया, और आज हमारे घर में पहली मर्तबा इस तरह का सालन बनाया है, ये जो बनाया है हम आपको इंशाल्लाह आज शेयर करेंगे, दिखाएंगे। गर्मी बहुत है आज, गर्मी और लगा शुक्र है कि बरांडे की वजह से यहाँ खाना बनाना आसान हो रहा है, कुछ साया तो है, लेकिन गर्मी में दोपहर की रोटी बनाना कितनी मुश्किल होती है, ताज़ा रोटी बनाना बहुत मुश्किल होती है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बेगम बना रही है तंदूरी रोटियां, बड़ी VIP ये उतारेगी, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखें जो उतारने लगी है बड़ी VIP तंदूरी रोटी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह वो रख रही है, देखती है क्योंकि और तो नहीं पक चुकी, वो भी चेक कर रही है अभी, उसको मेरे ख्याल में तैयार मेरी तपश सेक आता है आती है बाकी, ये देखें ये भी कितनी बड़ी VIP खूबसूरत रोटी बनी है, बहुत प्यारा माशाल्लाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें जी झाड़ू दिया इन्होंने इस रूम के अंदर से भी उधर से भी, उधर हमने नीचे चटाई बिछाई हुई है उस रूम में,
इधर नहीं है, हैं दोनों कच्चे ही। और ये झाड़ू वगैरह इन्होंने दिया है साफ़ करके, जो है इसमें से जो ये शापर जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं आग जलाने के काम आ जाते हैं। चेक करते हैं कि कहीं ऊपर नाम तो नहीं लिखा हुआ, नाम नहीं होता अक्सर, तकरीबन हमेशा ऐसा ही होता है कि नाम नहीं होता। और ये जो है ना फिर इकट्ठे करके इसको आग जलाने के काम आ जाएंगे, आग जलाने के इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। और बेगम जो है अभी वो रोटियां लगा रही है, अभी तक वो रोटियां लगा रही है। क्या हो गया है, क्या हो गया था, क्या हो गया था? बाबा 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 बाबे के लिए रोटियां पक रही हैं जी, इनके बाबा जी आए हुए हैं उनके लिए। इसने पता नहीं आज इतना बड़ा दिल कर लिया है कि जी अपने वालिद साहब के लिए जितनी भी कुर्बानी दी उतनी कम है। और ये अपने वालिद की खुशी के लिए जनाब खाना बना रही है, दोपहर का खाना, खाना दोपहर का। आप हमारा व्लॉग देख रहे थे और उसमें जो है आज जो हमने खाना बनाया है वो देसी मुर्गा, देसी मुर्गा। ये नीचे मुर्गियाँ देखिए आप हमारी कर रही होंगी ये नीचे। और इसमें ये है गोल्डन फार्मिंग, गोल्डन फार्मिंग देसी खालिश भी है। एक वो अंडे पे बैठी है, बेटा ज़रा करीब से दिखाओ, अंडों पे भी जो बैठी है ये देखें जी, ये बच्चे देरी करी है, अंडों पे बैठी हुई है मुर्गी हमारी एक उधर। और बाकी जो है ये है फार्मी, बाकी फार्मी दो मेरे ख्याल में और भी हैं, हाँ दो और हैं जिसमें हमारी तकरीबन 10-12 जो है बीच में यकीन जाने पता नहीं चला, बीमारी आई तो दवाइयाँ तो हम ले लेके थक गए, लेकिन उसमें यानी कि तकरीबन कोई 7-8 जो है हराम हो गई, मुर्गी हलाक हो गई, जिसमें बाकी कुछ हमने 5-6 ज़िबा कर ली और कुछ खाने के काबिल थी तो उसको बच्चों ने बना के खा लिया और किसी को ऐसे ही यानी कि मिट्टी का खड्डा खोद के ना उसमें दफन कर दिया और दूसरा जो बीच में हलाक हुई वो भी दफन कर दी। बाकी मुर्गा हमारा यानी कि बीमार हो चुका था, हमने कहा यार कि ये भी ना चला जाए, उससे बेहतर है उसको हलाल कर लिया जाए। रात को फिर अंधेरे में जो है ना मगर शाह के वक्त उसको जो है ना, क्योंकि बंदा ज़िबा करने वाला कोई था नहीं, फिर उन्होंने स्पेशल किसी को फ़ोन करके बुलाया, वो आए और उसको ज़िबा किया और वही बनाकर हमने साफ़ सुथरा करके फ्रीज़र में रखा। अब उसी को ही पकाया है, दिखाओ बेटा ज़रा ये करीब से दिखाओ, ये है देसी मुर्गा, देसी मुर्गा ये बनाया, वही उसी को हलाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पका लिया अल्लाह का शुक्र। अब हम खाना खाते हैं और आपने हमारे साथ जुड़े रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना मुकम्मल आ गया मेरा। कि ये पनीर जो है ना ये देखे निवाले हो चुके हैं, चम्मच भी आ चुका है और ये सालन जो है इसमें मैं मिक्स करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सालन इसमें मिक्स करूँगा और जो है वे चम्मच के साथ इंशाल्लाह खाना खाऊँगा और बच्चे भी इस तरह आपके सामने सब खाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी और उसका फजल व इनाम है। और साथ जो है मेरे ससुर साहब आए हुए हैं, वो अभी थोड़ा सा काम गए हैं, उधर से वापसी पहुंचने वाले हैं, अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, यानी कि मतलब पहुंच चुके हैं तो 2-4 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो भी खाना खाएंगे। उनके लिए खास तौर पर जो है बेगम ने बना लिया है खाना और हम भी खाएंगे, बीच में आलू डाले थे भी कम ना हो जाए, आलू डाले थे थोड़ा शौरबा, मैंने बेगम को बोला था इजाफी बना लेना ताकि ये शौरबा भी काम आ जाता है, यानी कि जो क्योंकि खालस देसी मुर्गा था और हमारी मुर्गियों के लिए अब मुझे फिर मुर्गा ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि बीमारी अभी अल्लाह खैर करे बाकी मुर्गियाँ ठीक हो जाए, कुछ अभी भी बीमार हैं, दुआ करना अल्लाह आसानी अदा फरमाए। और मैं जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी और मुझे दोबारा मुलाकात करेंगे, गाँव याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।